हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। टुडे इज टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट इन टू। पार्ट टू इंट्रोडक्शन आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो। प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। इंडेफिनिट मींस इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट मींस इन फ्रंट ऑफ आइज, इन फ्रंट ऑफ आइज। एनी एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आइज बट इट इज नॉट क्लियर। ऐसा कोई एक्शन, ऐसी क्रिया जो हमारी आंखों के सामने हो रही है और हमको ये नहीं पता ये कब से शुरू हुई है और कब तक है, व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हेन अप टू एंड, और ये कब खत्म हो जाती है। हमने आपको बताया था इसका फार्मूला होता है एस प्लस एम बी प्लस एस प्लस ई एस प्लस ओ, यही था ना इसका फार्मूला। आपको पता है एस जैसे होते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है ई सी आई बी यू दे, आई बी यू दे बी बॉयज। नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन। व्हाट इज योर सब्जेक्ट? एम बी इज गो कम रीड राइट प्ले किल। एनी एक्शन कैन डू, नाउन आर प्रोनाउन। कोई भी ऐसा एक्शन जो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट एक्शन बोलते, उस एक्शन को हम मैन वर्ब कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं ना। तो वर्ब जो होती है मैनी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। यस या यस यहाँ इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, फॉर ऑब्जेक्ट। भाई हम कोई चीज खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। कोई चीज पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? बुक। वे बुक पढ़ते हैं। जैसे कोई चीज खाते तो क्या खाते हैं? जैसे फूड, एप्पल, इट्स एंट्रा। That is clear. Subject क्या है, main verb क्या है, helping verb क्या, object क्या है, ये हम आपको कल बता चुके थे। ये तो हो गए थे अब rules negative। Negative में क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। एस प्लस एम बी प्लस एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। फार्मूला वन। फार्मूला सेकेंड, एस प्लस एम बी प्लस ओ। नोट, जब जब सब्जेक्ट आई बी यू दे बॉयज गर्ल्स इट्स
आई प्लूरल मतलब क्या है, प्लूरल है। ये तो हो गया आपका फार्मूला क्या है, प्लूरल है। तब क्या करेंगे हम, एस या एस नहीं लगाएंगे, तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे और सिंगुलर के साथ हम एस या एस लिखते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इसमें प्लस एस प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस एम बी, ओ सॉरी आ नहीं रहा फार्मूला, एस प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस एम बी प्लस ओ। नोट, जब सब्जेक्ट आई बी यू दे प्लूरल हो, प्लूरल प्लूरल आए, जैसे बॉयज गर्ल्स जी आई आर एल एस गर्ल्स, तो डू नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स आए तो हम डू नॉट का यूज, डू नॉट यूज करेंगे। डू नॉट यूज कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट, व्हेन कम्स योर सब्जेक्ट प्लूरल लाइक एज आई वी यू दे बॉयज एंड गर्ल्स, सो वी डू यूज डू नॉट, एंड कम्स व्हेन इट कम्स ही सी डज नॉट, कब आएगा जब ही सी या सिंगुलर हो, क्या हो, जब आपका सिंगुलर हो, ठीक है। इन पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट एस प्लस एम बी प्लस एस या ई एस प्लस ओ, फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस इन सिंगुलर फॉर्म, इन सिंगुलर फॉर्म फर्स्ट ही रीड्स न्यूज़पेपर, विकास रीड्स यस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है। इसी तरीके से निगेटिव में आ जाइए, ही डज नॉट, डज नॉट का यूज कब होगा, जब आपका निगेटिव हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और फिर सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और निगेटिव हो और सिंगुलर हो तब आपका क्या यूज होगा, डज नॉट का। ही डज नॉट रीड ए न्यूज़पेपर। सेकेंड सेंटेंस, राम्स ब्रदर कॉल्स मी, राम्स ब्रदर कॉल्स मी, राम का भाई मुझे बुलाता है, राम का भाई मुझे नहीं बुलाता, राम्स ब्रदर डज नॉट कॉल मी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कॉल्स है और यहाँ पर कॉल है, जब यहाँ डू डज यहाँ लग जाएगा निगेटिव फॉर्म निगेटिव में तब यस या यस हट जाता है, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर एस लगा हुआ है क्योंकि ये सन जो है अकेला है, सन इज ओनली इन द वर्ल्ड, इट गिव अस द लाइट सन लाइट, ओके। द सन सेट इन द वेस्ट, वेस्ट साइड, वेयर इज सेट द सन, इन वेस्ट साइड, द सन सेट्स इन द वेस्ट बिकॉज इट इज ए सिंगुलर द सन, सो वी राइट हेयर इन फॉर्म इन द एम बी एड एस एंड निगेटिव, द सन डज नॉट सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि निगेटिव में जो होता है तो उसको हम चेंज करते हैं, डज नॉट यूज वेन द एलोन एंड ए सिंगुलर, डज नॉट सेट सेट एस रिमूव बिकॉज इट इज ए निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी रिमूव वॉट, रिमूव एस और ई एस इन निगेटिव इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। इन प्लूरल, नाउ इन प्लूरल यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, आई बीट हिम, आई इज इन अंडर कम्स प्लूरल, सो एस और ई एस बी रिमूव इन प्रेजेंट इंडेफिनिट and in positive sentence and in plural form, when the subject your will become plural, so be remove yes or es from mb. Same this, I do not beat him, when comes plural subject so be remove yes or es, also use in place of it do not, not does not, do not, do not, when come, when your subject will come, yeah, plural subject like as a
I be you they etc. Players play the cricket. Players do not play the cricket. Third, I am writing farmers, not singular. F A R M E E R S. Farmers. Farmers plough. P L O U G H plough. The fields. Farm. F O R M S. Farm. Number four. Children. Children pluck. Pluck the flower. Pluck the negative be changed. Farmers singular. Yes? No. It is not singular. It is plural. So farmers, you are understanding in short form farmers. Plow, do not or does not? Do not will come. Do not plow. MB one. The for. ये फॉर्म्स आ जाएगा आपके. चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स. चिल्ड्रन सी एच आई एल डी आर ई एन. चिल्ड्रन डू कम नो डस कम नो व्हाट यू कंफ्यूज नो बिकॉज चिल्ड्रन इट इज ए प्लूरल. सो हेयर कम हेयर डू नॉट. चिल्ड्रन डू नॉट प्लक क्या फ्लावर्स. हमने आप बहुत सारे फूल बना दिए. क्या तोड़ रहे हैं? फ्लावर्स. ठीक है तो बच्चे क्या नहीं तोड़ रहे हैं? चिल्ड्रन डू नॉट प्लक द फ्लावर्स. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज इन फोर टाइप्स. कितने टाइप्स होता है? चार प्रकार से होता है. जैसे इसका पहला फार्मूला हम बता चुके हैं एक बार. एस प्लस एम बी प्लस एस आर ई एस प्लस ओ. इन सेकेंड एस प्लस डू आर डस प्लस नॉट प्लस एम बी प्लस ओ. इन थर्ड HV interrogative. There is no spoon. Please remove. You can interrupt. HV. H. Helping verb wala question verb. Interrogative. Interrogative. H. B. Plus. HV kya aati hai aapki? Do ya? Does. Do ya? Does. शॉर्ट फॉर्म में डू एस डी एस. डी एस टेबलेट नहीं है. ठीक है. डी एस का मतलब है डज. प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी वन प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक. अब फोर्थ नंबर इज क्वेश्चन वर्ड. इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे. पहले यहाँ पर समझिए ये फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर इज दिस. थर्ड नंबर इज फर्स्ट नंबर इज सेकेंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर. क्यू डब्लू प्लस डू आर डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. टिक. अब इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. कहीं पर हम नॉट लगाते हैं तो कहीं पर नहीं लगाते हैं. कहीं पर नॉट लगाते हैं तो कहीं पर नहीं लगाते हैं. ठीक है. यस. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. अब आप लोगों को ये चारों प्रकार के आपको समझ में आ जाएगा. अब इस तरीके से फार्मूले लिख सकते हैं. बिल्कुल हमने आपको फार्मूले बार बार बताए हैं. इस चीज़ ध्यान रखना आपको फार्मूले आना चाहिए टेंस में.
एस प्लस एम बी प्लस एस ई एस, देखो एस या एस हमने हटाया तो यहाँ पर क्या बड़ा है, डू या डस, डस मतलब डी ओ ई एस डस, नॉट प्लस एम बी वन प्लस टू। अब क्या करा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको, एच बी हम बता देते हैं आपको, एच बी होती क्या, जैसे इच आर एम वाज वर डू डज इट्स, मतलब वही बहुत है, आपको इसके बारे में बता। अब क्या बोला, अगली बार में जब डू डस इसको हटाया तो इसके आगे प्लस करके आगे क्या लिख लिया, क्यू डब्ल्यू। अब क्यू डब्ल्यू क्या होता है आपको, व्हाट व्हाई हाउ वेयर इट्सेंट्रा, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट इन पॉजिटिव, माय टीचर इज सिंगुलर है, माय मदर कुक्स द फूड, ठीक है, ये सिंगुलर इसलिए यस लगा है। तो दूसरा क्या, टीचर्स, यहाँ जब प्लूरल हो गया है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर यस या यस नहीं लगेंगे, हटा देंगे, काट देंगे, और यहाँ पर ठीक है। देयर सब्जेक्ट, टीचर्स जो है अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अब इसको निगेटिव कैसे बनाना, माई मदर कुक्स का कुक, डू नॉट डज नॉट डी ओ ई एस डज नॉट कुक द फूड, माय मदर डज नॉट कुक द फूड। नंबर टू, टीचर्स डू नॉट कुक द फूड। अब क्या हो जाएगा, डू डज पहले ले आएंगे, अब यहाँ डज आया क्योंकि ये सिंगुलर है, और ये डू नॉट क्यों है, यहाँ प्लूरल है। अब इधर आ जाइए, माय मदर से पहले क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब वाला, तो डस पहले लगाएंगे, डी ओ ई एस प्लस डस माय मदर नॉट लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, नॉट कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक। नंबर टू, टीचर्स टी ई ए सी एच ई आर एस, टीचर्स डू नॉट कुक द, सॉरी, टीचर डू नॉट टीच, और सॉरी यहाँ पर भी टीच लगाना था, टी ई ए सी एच टीच देयर सब्जेक्ट, टी एच ई आई आर देयर सब्जेक्ट, देयर टी एच ई आई आर देयर सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इन फोर्थ इंट्रोगेटिव, Why does my mother cook the food? अब यहाँ पर चाहे आप नॉट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लगाओ या ना। नंबर टू, टीचर्स, सॉरी, हाउ डू टीचर्स नॉट टीच देयर टी एच ई आई आर देयर सब्जेक्ट, ठीक है। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरे इसके जो चारों भाग हैं बिल्कुल क्लियर करा दिया है। आप बच्चों, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम या कोई भी समस्या है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हम कई बार शेयर कर चुके हैं, और हमारे वही, और उसको कोई भी दिक्कत हो, मतलब कोई परेशानी ईट्स एंड टेंस से रिलेटेड, हमसे संपर्क करें, हम आपको प्लीज़ मेरा वीडियो ये लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।